दोस्तों आज हम कहानी लेकर आए हैं एक ऐसे गेंदबाज की, एक ऐसे कप्तान की जो अपनी टीम के एक प्लेयर का करियर बचाने के लिए अंपायर से भिड़ गया। कहानी एक ऐसी गेंदबाज की जो बॉल को जादू की तरह घुमा सकता हो, एक ऐसा स्पिन गेंदबाज जो क्रिकेट की दुनिया में एक नया अध्याय लिखने का हुनर रखता हो, लेकिन उस गेंदबाज पर बॉल थ्रो करने का झूठा इल्जाम लगाया गया। यानी देशी भाषा में बात करें तो बट्टा फेंकने या फिर झटका मारकर बॉल फेंकने का इल्जाम लगाया गया ताकि वो दोबारा कभी क्रिकेट न खेल पाए। जब आईसीसी पूरी जांच करने के बाद कहे उसकी बॉलिंग पूरी तरह से लीगल है, लेकिन फिर भी आईसीसी को नजरअंदाज करके अपने प्लेयर्स, मीडिया और अंपायर के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया गया जिससे उस बॉलर का करियर बर्बाद हो जाए। कहानी की शुरुआत होती है सन 1995 ऑस्ट्रेलिया से, जब मुथैया मुरलीधरन ने क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की थी और टेरल हेयर अंपायरिंग कर रहे थे। उस वक्त आईसीसी का बॉलिंग रूल था कि जब बॉलर बॉलिंग करते हैं तो आप बॉल डालते वक्त अपना हाथ झुका नहीं सकते, और यह सब कुछ सिर्फ अंपायर के डिसीजन पर ही जज होता था। मतलब जो कैमरा भी न देख पाए वह अंपायर को ही देखना है, और इसी नियम का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। अंपायर डेरिल हेयर ने मॉर्लिंग के बॉलिंग के एक्शन को लेकर नो बॉल्स का कॉल देना शुरू कर दिया। पहले जब मुरली की बॉल को नो बॉल का इशारा दिया गया तो मुरली को यह लगा कि शायद उनका पैर थोड़ा बाहर चला गया होगा। जब कप्तान रणतुंगा ने यह देखा तो उन्हें मुरली पर गुस्सा आ गया, क्योंकि नो बॉल की वजह क्या थी ये उन्हें भी नहीं पता थी। उन्होंने गुस्से में मुरली को दूसरे छोर से बॉलिंग करने के लिए कहा, लेकिन अंपायर डेरिल हेयर ने उस पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि भले ही मैं अंपायरिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन नो बॉल तो मैं फिर भी कॉल करूंगा। ऐसा कुछ अभी तक क्रिकेट में किसी ने नहीं देखा था। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका टीम के खिलाड़ियों ने आईसीसी से मांग की कि वह अंपायर डेरिल हेयर के साथ बैठें और इसके बारे में बात करें। आईसीसी ने इसकी मंजूरी दे दी, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को इस बात से परेशानी थी, उन्होंने ये रोक दिया। कुछ मैचेस के बाद ये दोबारा शुरू कर दिया गया, लेकिन अब की बार अंपायर डेरिल हेयर नहीं थे। इस बार अंपायरिंग कर रहे थे रॉस इमर्सन, स्पेशली नो बॉल का इशारा मुरली की ऑफ स्पिन के लिए दिया गया था। अब इमर्सन ने मुरली के लेग ब्रेक के लिए भी नो बॉल बोलना शुरू कर दिया। It looks to me as if umpire Emerson has called him for throwing. Well, that was a leg break. So he's called him for bowling a leg spinner twice in this over. And it's very difficult to throw a leg spinner. Some say impossible. जबकि लेग ब्रेक डालते वक्त कोई भी बॉलर अपना हाथ मोड़ ही नहीं सकता। इन दोनों अंपायर्स के अंपायरिंग को देखकर कुछ सालों बाद क्रिकेट के लीजेंड सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इससे खराब अंपायरिंग कभी नहीं देखी। अब हम बात करते हैं साल 1999 की। अब तक मुरली ने आईसीसी के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग एक्शन की पूरी तरह से जांच करा ली थी। आईसीसी का कहना था कि मुरली के बॉलिंग एक्शन में कोई डिफेक्ट नहीं है, उनकी एक्शन पूरी तरह से लीगल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया है। जल्द ही ऑस्ट्रेलियाई ट्राई नेशन सीरीज शुरू होने वाली थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड आपस में मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बोर्ड मेंबर्स मीडिया के सामने मुरली को चकर और रणतुंगा को जंगली कह रहे थे। अब मीडिया में हर रोज कुछ इस प्रकार के आर्टिकल छपना शुरू हो गए कि कैसे मुरली और रणतुंगा क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं। जब इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होने वाला था तो इस मुकाबले के लिए अंपायरिंग करने आए रोज इमर्सन, इमर्सन को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में बुलाया और उन्हें साफ साफ समझाया गया कि इस मैच में पहले सेट किए हुए स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। इमर्सन स्क्वायर लेग पर खड़े हुए थे, उन्होंने किया नो बॉल का इशारा। मुरली और श्रीलंका टीम सालों से इसी बदनामी का शिकार थी, और इस बार आईसीसी के रूल के बावजूद भी ऐसी अंपायरिंग हो रही थी। श्रीलंका के कप्तान अर्जुन रणतुंगा का गुस्सा अब फूट पड़ा, वो सीधे जाकर अंपायर से भिड़ गए, लेकिन अंपायर उनकी सुन ही नहीं रहे थे। जिसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बढ़ावा दिया हो वो कहां किसी की बात सुनेगा। लेकिन इस बार रणतुंगा भी पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने अंपायर की तरफ देखा, इंग्लिश प्लेयर्स को बाय कहा और अपनी टीम को लेकर ग्राउंड के बाहर जाने लगे। रणतुंगा ऐसा डिसीजन लेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था, और कमेंटेटर भी यही कह रहे थे। Arjuna Ranatunga is exactly right.
I think umpire Emerson is saying that he knows more than everyone else playing the game. Umpires all around the world are happy with what your man has done. कि कप्तान रणतुंगा की कोई गलती नहीं है, ऐसा लगता है कि अंपायर एमर्सन सोचते हैं कि वे क्रिकेट के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। दुनिया के कई अंपायर मुरली के एक्शन की जांच कर चुके हैं। मैच के रेफरी भाग कर नीचे आए और प्लेयर्स को समझाने की कोशिश करने लगे। फटाफट श्रीलंका बोर्ड और ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड में फोन लगाया गया और दोनों से हुई बातचीत के बाद यह अनऑफिशियली निर्णय लिया गया कि मुरली अब सिर्फ लेग ब्रेक डालेंगे और अंपायर एमर्सन उनकी बॉलिंग एक्शन के लिए नो बॉल नहीं देंगे। लेकिन कप्तान रणतुंगा को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने मुरली से कहा, तुम जैसे बॉलिंग करना है करो, मैं देखता हूं कौन रोकता है। और फिर मुरली ने बॉलिंग की। सालों से जिस ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जिसे जंगली कहा था, अब उसने ये ठान लिया था, मैं इन्हें जंगली का मतलब समझाता हूं। कप्तान रणतुंगा ने बेझिझक मुरली के एमर्सन के छोर से बॉलिंग करने को कहा। एमर्सन अब नो बॉल का इशारा तो कर नहीं सकते थे, लेकिन अब उन्होंने मुरली के स्टार्टिंग मार्क पर आपत्ति जताना शुरू कर दी। एमर्सन ने कहा कि मुरली विकेट के बहुत पास से बॉलिंग कर रहे हैं। अब कप्तान रणतुंगा शांति से एमर्सन के पास गए और उन्हें कहा कि मेरे बॉलर जैसे मर्जी बॉलिंग करेंगे, आप अंपायरिंग करिए। और तब तक ये मैच खत्म हुआ, दोनों क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे के गले पड़े हुए थे। कप्तान रणतुंगा को 6 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें मैच फीस की 75% की पनिशमेंट दी गई। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इसमें मुरली को घसीटना चाहती थी, लेकिन कप्तान ने मुरली को इन सब से बाहर कर दिया। बाद में जब रणतुंगा से उस मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पूरी दुनिया को मुरली की बॉलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं एक अंपायर से क्यों डरूं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से कप्तान ने निडरता के साथ अपनी टीम के प्लेयर का साथ दिया और उसका करियर बचाया। और कप्तान ने जिस गेंदबाज का करियर बचाया, वो आगे चलकर श्रीलंका क्रिकेट का चमकता हुआ सितारा बन गया। आपको बता दें, मुथैया मुरलीधरन क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिनका रिकॉर्ड शायद ही कोई तोड़ पाएगा। मुरलीधरन ने अपने करियर में कुल 1347 विकेट लिए हैं और इनके इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई नहीं है। इनके बाद दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न एकमात्र ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 1001 विकेट लेकर 1000 विकेट लेने का कारनामा किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।